हेलो माय डियर्स, मेरा नाम निजाम है और आप देख रहे हैं निजाम टेक्निकल एंड मोटिवेशनल टिप्स। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूं कि आप किसी के भी वाईफाई पासवर्ड को बहुत ही आसान तरीके से कमांड की मदद से आप उसके पासवर्ड को निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। तो पहले हम फायदे की बात कर लेते हैं। फायदा तो हमारा ये है कि अगर हम किसी के वाईफाई पासवर्ड को अगर निकाल लेंगे तो उसका इंटरनेट यानी उसका डाटा आराम से हम यूज कर सकेंगे। नुकसान इसमें यह है कि जो लोग राउटर्स या ब्रॉडबैंड्स वगैरह लगा कर रखे हैं, अगर उनके पासवर्ड को कोई जान निकाल सकता है और यूज कर लेगा तो उसका जो है डाटा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में दोनों को क्या करना है? तो पासवर्ड निकालने वाला, चोरी करने वाला तो चोरी कर लेगा, जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ उसके मदद से वो पासवर्ड को तो निकाल सकता है। लेकिन जिनके पास ब्रॉडबैंड या जो वाईफाई राउटर्स वगैरह से चलाते हैं, उनसे मेरी सजेशन है कि वो आप अपने पासवर्ड को हर हफ्ते, हर 3 दिन पे या 1 हफ्ते पे उसको चेंज करते रहें। क्योंकि अगर आप चेंज करते रहेंगे तो हर कोई बार बार पासवर्ड निकालने की कोशिश नहीं करेगा, वो जान जाएगा कि हमारा पासवर्ड कोई ना कोई निकाल रहा है, तो हम इसको बदलते रहें और वो बार बार इतना कमांड यूज नहीं कर पाएगा और उसको निकालेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें एक कंप्यूटर की जरूरत होती है। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो दिया हुआ कमांड्स है इसको आप पहले नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि इन्हीं कमांड की मदद से हम किसी के भी वाईफाई पासवर्ड को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं वाईफाई पासवर्ड निकालने के लिए पूरे वीडियो को बनाया हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से। तो आप प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है अपने स्टार्ट में जाना है और यहाँ पर टाइप करना CMD। कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने नजर आएगा। कमांड प्रॉम्प्ट को आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ही खुलेगा, यहाँ पे मैं आपको एकदम स्टार्ट से बता दे रहा हूँ, जैसे सबसे पहले आप सी ड्राइव में आ जाएंगे, सीडी बैकस्लैश से बाहर आ जाएंगे। सीडी बैकस्लैश देखिए, आपको कमांड अब दिख रहा होगा। तो सीधा सीधा आप सीडी बैकस्लैश से एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर टाइप करेंगे, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप टाइप करेंगे NETSH स्पेस WLAN लाइन सो प्रोफाइल, जैसे ही लिख के आप इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में देखिए, आपके सामने ये सारी एक ये पूरे नेटवर्क की स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे आप देखिए, यानी मैं अपने कंप्यूटर पे आपको चल के दिखा दे रहा हूँ कि आप जो है देखिए, यहाँ से मैं नेटवर्क दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरा जो नेटवर्क कनेक्ट है वो रेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से कनेक्ट है, यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है। तो इसके बाद दोस्तों, आपको क्या टाइप करना है आप उसको ध्यान से देखिए, मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे टाइप करेंगे NETSH स्पेस WLAN, फिर यहाँ पे एक स्पेस देंगे, लिखेंगे XPORT एक्सपोर्ट, फिर स्पेस देंगे, लिखेंगे प्रोफाइल। लिखने के बाद में आप यहाँ पे स्पेस देके लिखेंगे FOLDR फोल्डर इक्वल लगाने के बाद में आप सी कैपिटल लेटर में लिखने के बाद सी कॉलन लगा देंगे और एक बैकस्लैश लगाएंगे। उसके बाद में आप स्पेस देंगे, लिखेंगे KEY key, फिर इक्वल CLEAR क्लियर। मैं आपको कमांड थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद में देखिए, जैसे ही मैं इसको इंटर कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको इंटर करूँगा, आपके जो पासवर्ड होंगे वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद में आपको किस तरीके से दिखाई देगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, उसके लिए आपको स्टार्ट पे जाना है, कंप्यूटर में जाना होगा, अपने सी ड्राइव में जैसे ही जाएंगे आप, यहाँ पर देखिए जो भी हमारा पासवर्ड है कंप्यूटर से जो कनेक्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हमारा नेटवर्क यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए जो नेटवर्क हमारा शो कर रहा है, इसका पासवर्ड यानी इस नाम को यहाँ से मैच ढूंढ लेंगे, यानी ये सारे यहाँ पे आके सी ड्राइव में एक्सपोर्ट हो गया है तो यहाँ से शो करेगा। तो आप अपने नेटवर्क का नाम यहाँ पे ढूंढ लें और उस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन विद नोटपैड कर दें। जैसे ओपन विद नोटपैड करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका लास्ट में की मटेरियल लिखा हुआ है, इसमें आपका ये जो बीच में पासवर्ड, आपके वाईफाई का पासवर्ड आ जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से पासवर्ड को निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके के और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।